आज है मंडे इवनिंग, उस दिन मैं और नहीं कंटिन्यू कर पाई। और एक काफ्तान नाइटी है ना, वो पहनी हुई हूँ। मैंने सोचा ना, आज आप लोगों को स्विमिंग पूल के साइड लेके जाऊंगी। हमारे कम्युनिटी पे जो स्विमिंग पूल है, उस साइड में आप लोगों को लेके जाऊंगी। पर बारिश हो रहा है, देखो देखो, तो बारिश पे मैं कैसे लेके जाऊंगी। चलिए अंदर जाके ही बात करते हैं। तो आप लोगों को लेके जाना चाहिए, मैं वो स्विमिंग पूल के साइड पे पर नहीं लेके जा पाई क्योंकि बारिश आ गए थे। तो हस्बैंड न्यूयॉर्क जाने से कुछ दिन पहले, हमारा जो फैमिली फ्रेंड है ना, जिनके बेटी के लिए मैंने लहंगा चोली लेके आई थी इंडिया से, जो जो वो व्लॉग देखा है इंडिया टू यूएसए बोल के, मैं 6-7 पार्ट में व्लॉग बनाई थी, जो हॉल जो मैंने खरीदा वो सब दिखाने के लिए। मैं जो बच्ची के लिए लहंगा चोली लेके आई, वो उनके उसकी माँ मुझे गिफ्ट किया। ये रेड के ऊपर ट्रेडिशनल पेंटिंग का 3 मिट्टी का कलश है, 3 साइज का, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये टेराकोटा का 6 ग्लास है, ये भी हैंड पेंटेड है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नॉट अ रिटर्न गिफ्ट, पर कुछ दिन पहले ना उसकी माँ को कुछ प्रॉब्लम आ गए थे। और यहाँ पे होते हैं कि उनका हस्बैंड का भी डे ड्यूटी, उनका भी डे ड्यूटी, और छोटी बच्ची को कहाँ रखे, फिर डे केयर भी खुला नहीं। तो मुझे 2 दिन रिक्वेस्ट किया, बैक टू बैक 2 वीक मैंने गई उनके साथ, और बच्ची को मैंने होल्ड किया क्योंकि उनको नर्सिंग होम पे जाना था। और हमारे घर से वो वाला नर्सिंग होम ना 30 मिनट्स का है। हमारे घर से शॉपिंग मॉल, वॉलमार्ट बोलो, पब्लिक्स बोलो, और जो बड़ा बड़ा ब्रांड्स का जो दुकान होते हैं, वो सब विद इन 10 मिनट्स है। और हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत सुंदर हॉस्पिटल, वो 30 मिनट्स का है, और उनके घर से ना बहुत दूर है। तो मुझे सुबह आके, एक दिन तो सुबह 7 बजे आई थी, एक दिन 9 बजे, सुबह आके वो पिकअप करके लेके गई। फिर मैं हॉस्पिटल जाके बच्ची को होल्ड किया। वो हॉस्पिटल में बोल रही हूँ पर वो नर्सिंग होम ही है, पर वो लोग होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि उनका है कि पेशेंट फेंट हो जाए टेस्ट करते करते या बीमार हो जाए, तो बच्ची का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ऐसा नहीं कि उनका हस्बैंड को वो लोग फ़ोन कर देंगे, ऐसा नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो उनका कुछ पर्सनल कुछ टेस्ट था, डॉक्टर के पास जाने का डेट था। तो मैं बोली हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चली गई। तो उनको मतलब थोड़ा संकोच तो होते ही है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी ना हो तो कोई हेल्प नहीं मांगते हैं इतना। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो कॉफ़ी पिलाते हैं तुम्हें, रेस्टोरेंट पे लेके जाते हैं, ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। तो मैंने बोला नहीं, आप टेस्ट करवाए ना, तो स्ट्रेस हुआ ना बॉडी पे, कोई भी टेस्ट हो तो घर जाओ रेस्ट करो, बच्ची को लेके रेस्ट करो। तो 2 दिन ही उन्होंने ब्रेकफास्ट ऑफर किए थे, और मैं तो दूध सीरियल खा के ही जाती हूँ घर से तब, और सुबह सुबह इतना कौन खाना चाहते हैं और कौन खाते हैं। तो मैंने बोला उनको, आप तो बोलते हैं कि चलो थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तो मतलब तुम क्या चाहती हो। तो मैंने बोला मुझे गिफ्ट भी नहीं चाहिए, मुझे रेस्टोरेंट पे जाके खिलाना भी नहीं पड़ेगा। तो बोलते हैं फिर क्या। मैंने बोला कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके, मतलब थोड़ा घुमा के मुझे घर पे छोड़ दो। तो बोलते हैं चलो तुम्हें सीनिक रोड लेके जाती हूँ। तो सीनिक मेरे घर के इतने पास पे, इतना सुंदर सीनिक रोड, सीनिक ब्यूटी, हम लोग यूएसए पे कहाँ कहाँ चले जाते हैं दूसरे स्टेट पे, पर इतना सुंदर जगह है ना, ब्यूटीफुल। मैंने मोबाइल से थोड़ा सा कैप्चर किया, और मेरे लिए वो गिफ्ट लेके आई थी, वो यूपी का है, आगरा पे मेला लगा था, ताज मेला। तो ताज मेला पे बहुत सारा हैंड वर्क, मतलब हैंड क्राफ्टेड चीज़ें मिलते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। उनको मालूम है मुझे घर का सजावट का चीज़ें बहुत पसंद है, थोड़ा सुंदर सा ज्वेलरी पसंद है, भगवान का बर्तन पसंद है। जैसे लेडीज़ को मालूम ही हो जाता है, बहुत साल से मेरे घर पे वो आ रही है,
और मैं भी जा रही हूँ उनके घर पे बहुत सालों से। इस बार भी अभी तो आज अगस्त का महीना है, अभी दिवाली का इनविटेशन आ गया उनके तरफ से। सबसे पहले हम लोगों को इनवाइट किया कि तुम लोगों को आना ही पड़ेगा। तो ऐसे फ्रेंडशिप पे तो होते ही है, मालूम पड़ जाता है कि इसको क्या पसंद है। तो मुझे देख दिया, फिर बोल रही थी कि सिंपल सा चीज़ है, ऐसे कुछ खास नहीं। मैंने बोला नहीं, गिफ्ट सारे गिफ्ट खास ही होते हैं ना, कि गिफ्ट देने वालों का मन का देखना चाहिए कि कैसे मुझे कैसे समझते हैं, मेरे ऊपर कैसे फीलिंग्स है, ये सब भी मैटर करते हैं। तो चलिए अभी आप लोग देख लीजिए, और जो सीनिक ब्यूटी है वो देख लीजिए, और गिफ्ट तो मैंने दिखाई दिया आपको।
तो मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये गिफ्ट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड अब तो आ गए हैं। उस दिन ना मैं उसके बाद मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, फिर घर का काम पे लग गई, और हस्बैंड आने से पहले घर को थोड़ा और भी डस्टिंग करके सजा के सारे कुछ चेंज वेंज करके कि उनको अच्छा लगे आते, तो वो बहुत खुश हो गए। अभी तो आ भी गए हैं न्यूयॉर्क से, और न्यूयॉर्क का थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स मैं दे रही हूँ आप लोगों को। वो शॉर्ट्स बना के लेके आए थे मेरे लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है न्यूयॉर्क का शॉर्ट्स, मतलब न्यूयॉर्क का मिनी टूर मैं करा रही हूँ आपको। तो चलिए, ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीक, हैव अ गुड वीकेंड। बाय।